हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सारे बंदे? बहुत बुरे हैं हम लोग। मुझे पता है कि आप सभी लोग बड़े नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो का तो यही पता नहीं मिलेगी कि आप लोगों को हमारे जो मैच मेकिंग प्रॉब्लम हो रहा है और उसके बाद ठीक है आप लोगों को जो हमारा गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप लोग गेम स्टार्ट करने जाते हो कुछ इस प्रकार आप लोग पॉपअप शो कर रहे हैं, जिसके अंदर से आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग यू आर ऑलरेडी इन गेम, यानी कि इसके अंदर ठीक है आप लोगों को हमारा जो गेम के अंदर ठीक है आप लोग पहले से हो, तो ऐसा कुछ आप लोग प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का आप लोग फिक्स कैसे कर सकते हो और इसके बारे में इसी वाला वीडियो के अंदर आप लोगों को 3 स्टेप बताने बोले, जो कि आप लोग 3 स्टेप करने के बाद आप लोगों जो प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर जितने भी सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना, ठीक है, ताकि ऐसे हर वीडियो डालते रहो तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले जो आप लोगों को स्टेप बताने वाला हूँ, यानी कि इस वाला वीडियो अंदर आप लोग टोटली 3 स्टेप बताने वाला हूँ। 3 स्टेप करने के बाद आप लोगों को जो प्रॉब्लम वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग वाला ऑप्शन के अंदर चले जाना, उसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोग क्लियर केस देखने को मिल जाता है, इसके अंदर ठीक है आप लोगों को 4 से 5 बार काट देना, ताकि दोस्तों आप लोगों जो गेम के अंदर ठीक है कोई भी हमारा केस वगैरह ठीक है वो डेटा अपलोड होता है, ठीक है, वो आप लोगों को डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को फिर से सेटिंग वाला ऑप्शन के अंदर चला जाना, उसके बाद आप लोगों को ठीक है रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट नेटवर्क इशू बोल के एक ऑप्शन दिखाते हैं, जिसके अंदर ठीक है आप लोगों को सेंड रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ठीक है आप लोग जैसे सेंड रिपोर्ट का ऊपर क्लिक करते हो और दोस्तों इसका आप लोगों का जो प्रॉब्लम वगैरह होता है, यानी कि दोस्तों आप लोग गेम के अंदर वो भी ठीक है नेटवर्क वगैरह इशू वगैरह होता है, तो इसके आप लोग गाने वाले का अंदर चला जाता है और उसके बाद आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोग स्टेप कंप्लीट हो गया, और दोस्तों इसके बाद ठीक है आप लोग सबसे पहले आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स आप लोग दोनों ही मिनिमाइज से उड़ा देना, ताकि दोस्तों ठीक है आप लोगों को फ्री फायर मैक्स के अंदर या फिर फ्री फायर के अंदर जो भी डेटा वगैरह वो ठीक है आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ठीक है आप लोग देख सकते हो मेरा जो फिलहाल ठीक है फ्री फायर मैक्स ओपन कर रहे हो। और दोस्तों ठीक है आप लोग इस वाला वीडियो ठीक है आप लोग अगर ये वाला ठीक है आप लोग अप्लाई करने के बाद आप लोगों को जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है, तो दोस्तों वीडियो का एक लाइक कर देना और दोस्तों एक कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़े, सबसे पहले अगर दोस्तों ठीक है आप लोगों को ये वाला दोनों के ठीक आप लोग ठीक है अप्लाई करने के बाद आप लोगों को भी ठीक है आप लोग वही वाला ठीक है आप लोग पॉपअप शो कर रहे हैं, यानी कि यू आर ऑलरेडी इन गेम। ठीक है, तो दोस्तों इससे आप लोग क्या कर सकते हो, यानी दोस्तों इस वाला वीडियो के अंदर ठीक आप लोग टोटल 3 स्टेप बताने से पहले ठीक है आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, सबसे पहले ठीक है आप लोग ये फ्री फायर का आप लोग मिनिमाइज से उड़ा देना, मिनिमाइज से उड़ा देने के बाद ठीक है आप लोगों का जब फोन का जो आप लोग सेटिंग होता है, ठीक है, तो फोन का सेटिंग के ऊपर चले जाना, फोन का सेटिंग के ऊपर चले जाने के बाद आप लोग यहाँ से आप लोगों को ढूंढ लेना पड़ेगा आप लोग ऐप मैनेजमेंट। ठीक है, तो काफी सारे बंदे के अंदर फोन के अंदर ठीक है काफी सारे बंदे फोन का ठीक है सेटिंग पर अलग अलग रहता है, तो इससे ठीक है आप लोग ऐप मैनेजमेंट भी देख सकते हो। ठीक है, आप ये ठीक आप लोग ऐप लिस्ट या फिर आप लोग ऐप वगैरह ठीक है देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ठीक है आप लोग फ्री फायर मैक्स ढूंढ लेना। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली मैं फ्री फायर मैक्स ढूंढ लेता हूँ, तो दोस्तों फ्री फायर मैक्स ढूंढ लेने पर ठीक है आप लोग देखते हो यहाँ से ठीक है आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करके बहुत सारे सेटिंग वगैरह ठीक है देखने को मिल जाते हैं, जैसे दोस्तों आप लोग पता ही होगा, तो इससे आप लोग ठीक है स्टोरेज यूज करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर से ठीक है आप लोगों को क्लियर कैच कर देना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग क्लियर कैच कर देते हो, ठीक है, तो इससे आप लोगों का काफी सारे ठीक है आप लोग बंद के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुका है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से बैक कर देना। और दोस्तों मेन जो स्टेप बताने वो मेन स्टेप ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करना, सबसे पहले ठीक है आप लोग सेटिंग वाला ऑप्शन के अंदर ही कनेक्शन एंड शेयरिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसके अंदर से आप लोगों का प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर ठीक है आप लोगों को 3 नंबर के अंदर आप लोगों को डेजिनेटेड प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर से ठीक है आप लोगों को एक सर्वर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सर्वर ठीक है आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों ठीक है आप लोग इसके अंदर आप लोग देख सकते हो dns.google.com ठीक है आप लोग लिख रहे हो। ठीक है, तो इसी वाला ठीक है आप लोग यानी कि इस वाला आप लोगों को लेटर के आप लोग सेम टू सेम लिख देना, लिख देने बाद आप लोगों को सिंपल से ठीक है आप लोग यहाँ से टिक कर देना, टिक कर देने बाद आप लोगों का सिंपल बैक कर देना। और दोस्तों बैक करने के बाद ठीक है आप लोग फिर से आप लोग फ्री फायर खेलते हो, तो यानी कि फ्री फायर मैच खेलते हो, ठीक है, दोनों आप लोग लॉग आउट करके आप लोग फिर से लॉग इन करना है, तब जगह आप लोग गेम स्टार्ट कर गए तो आप लोग जो गेम स्टार्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वाला वीडियो के अंदर कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर से बता देना। चलिए आज का वीडियो बस इतना, तब तक के लिए और एक धमकेदार वीडियो मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।